तो दोस्तों ये है पूरा राधा रानी मंदिर। हनुमान जी ने दर्शन दे दिए चढ़ते। तो यहाँ पे श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। छोरा हरियाणा गारी माँ, तो जाटा हरियाणा गारी माँ तेरी छोरी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज वी आर गोइंग कहीं बाहर, गेस वेयर। तो चलो मैं बता ही देता हूँ, हम जा रहे हैं वृंदावन मथुरा। और अभी फिलहाल देखो हमारी पैकिंग डन डन। मैंने अपने इसमें चश्मे, ट्राईपोड, अपना ये बैग इसमें डालूँ है, सारी चीज़, घड़ी वगैरह हाथ पे, और ये जो भी है ट्राईपोड वगैरह सारा इसमें करेंगे। देख रहे हो इतना अत्याचार हो रहा है, बैग बूग ऐसे पकड़ा रखे हैं, और आगे उनको देखो। वृंदावन की टूर हमारा हो लिया स्टार्ट। हाँ भाई चल पड़े बस। तो देख लो भाई अपनी यह है, इसमें जाएंगे हम, मतलब पूरा ट्रैवल इसी में करेंगे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, जय हो। स्टॉप ले लिया है शिवा ढाबे पे, और चलते हैं अंदर अब। जा 11:40 हो रहे हैं भाई। जो है भाई यूपी का बॉर्डर। आए हैं कोशी शनि मंदिर। रात के टाइम हो रहा, कितना हो रहा है, रात के 1:05 हो रहे हैं, और भीड़ देख लो, पूरी भीड़ हो रही है। जल्दी से दर्शन करें यहाँ पे, और आगे भी जाना है फिर। यहाँ प्रसाद मिलता है और चिल्लाने लग रहा है, आ जाओ आ जाओ। बस बस हम तो यहीं जाएंगे, पूरी यहाँ से बढ़िया चीजें ले लेते हैं जल्दी अंदर चढ़ाने के लिए। जय हो सिंह, जय हो। तो गाइस यहाँ हो रही है बहुत भीड़, और व्लॉग थोड़ा यहाँ का कम बना रहा हूँ क्योंकि महंगा फोन है, और ऐसे इतनी भीड़ में भाई सही भी नहीं रहता, थोड़ा चोरी वोरी होने का भी डर रहता है। भीड़ यहाँ भी थोड़ी कम दिख रही है उस साइड देखो। तो शनि मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अब वापस चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे मिक्की माउस जैसे झूले भी हैं, और भी हैं थोड़े बहुत, और मेला पूरा भर रहा है। शनि महाराज की प्रतिमा, यहाँ पे थोड़े बहुत अपने फोटो वोटो क्लिक करेंगे। चलते अंदर। अभी हम आ गए हैं बरसाना में, और दरबार टाइप। तो अभी आ रहे थे हम बरसाने, और ऊपर राधा रानी के मंदिर में जाएंगे। 300-400 पेड़ी कुछ है, और सारा यहाँ पे है अंधेरा अंधेरा, क्योंकि रात के बज रहे 3:30। रात के कह लो, दिन के कह लो, रात को सीढ़ी चढ़ने में मजा आएगा। ऊपर जाना है कितने, 300-400 सीढ़ियाँ ना, ऐसी कुछ सीढ़ियाँ। अरे क्या भैया, क्या से हटवाया, और प्रसाद लेके जाओगे जल्दी जल्दी ऊपर। तो यहाँ पे श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म स्थान। तो कौन सी सीढ़ी ये है भाई,
कितनी सीढ़ी है? 250-300। तो ये हैं पर राधा रानी के मंदिर जाने की सीढ़ियाँ, 250-300 के करीब हैं। अरे अपना ग्रुप अच्छा है सारा, जल्दी जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे। राधा रानी के दादी बाबा थक गए भाई, थक गए सारे, थक गए इतनी सीढ़ी आधी भी नहीं हुई अभी तो। हनुमान जी ने दर्शन दे दिए चढ़ते। तो दोस्तों ये है पूरा राधा रानी मंदिर, और इसके जस्ट साइड से ही देख लो अपना पूरा बरसाना गांव दिखता है, वो अपना पूरा बरसाना गांव। और अपना मून भी देखो, चांद कितना प्यारा लग रहा है। तो आगे चल रहे हैं और थोड़ा पानी पुनी पी लें, थक गए सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। मैं तो थका नहीं, ऊपर और सारे थक गए। तो भी हो गए 4-1, लाइट वगैरह जल गई हैं सारे के, अब शायद साफ सफाई खुल को के, और 5:30 बजे से खुलता है मंदिर। दोस्तों टाइम हो गया है 5:10, हमें बहुत देर हो गई यहाँ पे। और देखो धीरे धीरे कोई नहीं था जब हम आए, पर अब इतनी भीड़ हो गई, सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई, कुछ ही देर में मंदिर खुल जाएगा और हम दर्शन कर लेंगे जल्दी जल्दी। गए थे अभी राधा रानी मंदिर में और वहाँ के दर्शन कर लिए। थोड़ा बहुत वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, वीडियो फोन निकालने रिस्ट्रिक्शन था, ना वीडियो ना फोटो कुछ भी नहीं। अब ग्रुप दोबारा चल पड़ा है, अब जाएंगे गोवर्धन। अभी हमने अपनी ये टूरिस्ट वाली बस यहाँ पे खड़ी कर दी और दो ही रिक्शा कर लिए किया। अरे किया वाली पीछे बैठते साथ दे रात दो कर दियो, पर से पल्ले इतना मांगते राधा कुंड पे तो वापस आया नो, पर यहाँ खड़ी कराएगा वो मैं और मैं को सो इसी से खुला छोड़ कर बार बार कई बातें सोई बंदर घुस गया मैं अंदर। चल पड़े भाई, एक आगे रिक्शा चल पड़ी। अरे क्या वाली, ये कहाँ पे कहाँ जाएंगे भैया? राधा कुंड पहले, पहले राधा कुंड, फिर उसके बाद में आएगा हर गोकुल का मंदिर, मानसी गंगा सभी आएंगे। 21 किलोमीटर की यात्रा है आपकी। 21 किलोमीटर की? हाँ।